तो क्या बेबी महतो भी किसी सीट से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी क्या? मतलब पैसा इकट्ठा करके विधायक चुनाव लड़वाएंगे और अपना विधायक बनाएंगे जेबी के से? खुद का पैसा चंदा करके विधायक का चुनाव लड़वाइएगा? हाँ, चुनाव लड़वाएंगे और जेबी के से को जिताएंगे और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएंगे। अगर जुड़े तो जुड़िए ना, तो फिर अपना मतलब किसी पराये के चलते अपना घर द्वार अपना बीवी बच्चा बेच देंगे क्या? अभी हमारे साथ कोल्हान शेरनी बेबी महतो मौजूद है और आज झारखण्ड के राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखण्ड में मुख्य रूप से चार या पांच पार्टी एक्टिव है, लेकिन एक और पार्टी का ऐलान कर दिया गया है, एक और पार्टी का गठन कर दिया गया। उस पार्टी का नाम है जेबीकेएसएस, जिसके अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो। खास बातचीत के लिए हमारे साथ बेबी महतो मौजूद है। आज जो प्रोग्राम हुआ प्रथम महाधिवेशन, उसके बारे में जरा बताइए बेबी जी। सभी को मेरा जोहार। आज जो यह प्रथम महाधिवेशन हुआ, ये एक ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से पहले मेरा जब से जन्म हुआ है तब से कभी मतलब ऐसे महाधिवेशन देखे नहीं थे। और कुछ भी नेता मंत्री लोग का जो भीड़ होता था ना, उसमें लोग पैसा देके बुलाते थे, और यहाँ सबसे यूनिक है कि पैसा लगा के अपना पॉकेट से खर्चा करके मजदूर उदूर लोग सबको हम लोग आ रहे हैं। हम लोग भी तो किसान घर की ही बेटी हैं, किसान मजदूर जितना कोई है सब अपना पैसा से आ रहे हैं। बेबी जी, क्या होता कि अभी रामगढ़ में उपचुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री के सभा में बहुत भीड़ लग रहा था, फिर भी तो वोट नहीं मिला, हार गए वो मुख्यमंत्री का। आप बात को समझिए, वो लोग पैसा दे के बुलाते हैं। अच्छा, इसमें पैसा खर्चा करके आ रहा है, तो बात को समझिए थोड़ा, दोनों में फर्क है। तो क्या बेबी महतो भी किसी सीट से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। तो अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो भी और भी जो लोग बनेंगे उसमें मेंबर, टिकट का वितरण कैसे होगा? वो हमारे टाइगर भैया करेंगे। टाइगर भैया करेंगे, बिल्कुल। अब पार्टी में अभी आप क्या हैं? अभी तो देखिए हम लोग कुछ है नहीं जी। हम लोग मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा भी फर्ज बनता है इस झारखंड के बेटी होने के नाते जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना। हमारा यहाँ जो संस्कृति, भाषा संस्कृति सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। खुद हमारा ही देखिए, झारखंडी भाषा हमें नहीं आता है, क्योंकि हमारे उधर साइड नहीं बोला जाता, तो हम लोग बचपन से सीखे ही नहीं। तो हम लोग चाहते कि आने वाला जो पीढ़ी है ना, उसमें हम लोग में जो अभी प्रभाव है वो उन लोग पे ना पड़े। हम लोग सीखेंगे इस चीज को, और आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको भी हम लोग सिखाएंगे। अच्छा, बीबी जी, आप लोग की जो पार्टी है आप लोगों ने अभी गठन कर दिया, उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया, लेकिन राज्य में चार पांच पार्टियां एक्टिव है, जैसे भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो जेएमएम और आजसू है, और आरजेडी को भी मान लेते हैं। तो इनके पास पैसा इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा पैसा है कि लोग रातों रात तख्ता पलट देगा, तो उस समय आप लोग कैसे मैनेज करिएगा? आप लोग के पास तो पैसा ही नहीं है। अभी इतना कोई बुड़बक नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ देखे ना जनसभा में पैसा वालों लोग के इतना भीड़ होता है नहीं होता है, लेकिन बिना पैसा का यहाँ भीड़ हुआ ना, खुद का खर्चा करके, तो इतना सब में तो संगठन में दम और हिम्मत है ना कि खुद का पैसा करके मतलब पैसा इकट्ठा करके विधायक चुनाव लड़वाएंगे और अपना विधायक बनाएंगे जेबी के से। खुद का पैसा चंदा करके विधायक का चुनाव लड़वाइएगा? हाँ, चुनाव लड़वाएंगे और जेबी के को जिताएंगे और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाएंगे। मतलब ये हो गया फाइनल कि 2024 के जो हेमंत सोरेन के जो टक्कर में होंगे वो टाइगर जयराम महतो होंगे? बिल्कुल, एकदम होंगे टाइगर जयराम महतो। माटी का बेटा को माटी का बेटा ही काट सकता है। अच्छा, ये बताइए बेबी जी कि क्या है ना कि ये जो महाधिवेशन हुआ बहुत ही सफल रहा, लाखों की संख्या में लोग आए, और नो डाउट खुद पैसा लगा के, और इतना भीड़ कहीं नहीं होता, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, सभा हो, या चाहे मुख्यमंत्री की सभा, मैं भी जाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये चलिए टाइगर जयराम दा का एरिया है, क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन कोल्हान का क्षेत्र हो गया, संथाल परगना का क्षेत्र हो गया, पलामू परमंडल का क्षेत्र हो गया, वहां तो आप लोग बहुत ही कमजोर हैं, अभी जीरो लेवल पे हैं, तो वहां पे कैसे मैनेज कीजिएगा? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम से कम 42 को सीट जीतना पड़ेगा बहुमत लाने के लिए, तो कैसे कीजिएगा फिर? हमारा कोल्हान का राजनगर प्रखंड हमारा पड़ता है जो ब्लैक टीम है, ठीक है। राजनगर प्रखंड से ब्लैक टीम से 3 बस आया है, और जो फोर व्हीलर का तो छोड़ दीजिए, अनगिनत है। गमहरिया प्रखंड से बस आया है 1, और फोर व्हीलर का तो अनगिनत है, छोड़ दीजिए। कोल्हान से इतना बस आया है ना, यहाँ जो आधा बस शायद कोल्हान का ही होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्या संदेश देना चाहिएगा आज के बाद? मुख्यमंत्री को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो एक माटी पुत्र होने के बावजूद भी एक सेंट्रल पार्टी से जुड़ के अपना माटी का जो बेटा बेटी लोग है उन लोग का पेट में लात मारने का काम किया। अच्छा, सेंट्रल पार्टी के साथ तो पार्टी कैसे नहीं जुड़ेगी, क्योंकि उनको बहुमत मिला नहीं था, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा था? अगर जुड़े तो जुड़िए ना, तो फिर अपना मतलब किसी पराये के चलते अपना घर द्वार अपना बीवी बच्चा बेच देंगे क्या, बताइए? बिल्कुल नहीं। तो हमारे साथ तो यही बात हो रहा है ना जी। तो 24 में मुख्यमंत्री
जयराम टाइगर जयराम महतो ओनली जयराम महतो तो एकदम ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 24 में जो है मुख्यमंत्री के रूप में टाइगर जयराम महतो को देखा जा रहा है। हमारे साथ कोल्हान की शेरनी बेबी महतो जी मौजूद थी और आज प्रथम अधिवेशन समाप्त हुआ और काफी सफल रहा है। जन सैलाब उमड़ पड़ा था टाइगर जयराम महतो को देखने के लिए, सुनने के लिए। इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इतनी ज्यादा कहीं पर भीड़ हुई होगी। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।